हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी एंड वेलकम टू बिंदास। ये है आशिकी। एक बात चल रही है मेरे मन में, अब आप इस बात को माने या ना माने, मेरे हिसाब से ये सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि आज हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे आपके आसपास प्यार हो या ना हो, नफरत जरूर है। आज की जो हमारी कहानी है वो ऐसे दो लोगों के बारे में है जिनकी प्यार की शुरुआत नफरत से हुई। नफरत ने उन्हें प्यार करना सिखाया और नफरत की वजह से ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके साथ उनके परिवार वालों की भी जिंदगियां बदल गई। शुक्र है वक्त पर आपका ट्रक मिल गया, वरना लड़की निकल जाती। और वैसे भी कहते हैं ना, ट्रेन और लड़की कभी भी किसी का इंतजार नहीं करते। तो तू शादी करने जा रहा है? फिलहाल तो ये देखने जा रहा हूँ कि शादी हो सकती है या नहीं, लड़की देखने जा रहा हूँ। अब देखो ना, भगवान ने भी आज ही के दिन पिस देना था, बाइक खराब कर दी। वो तो अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना पता नहीं क्या करता मैं। ऊपर से लड़की भी पता नहीं क्या सोचेगी, बोलेगी अभी से इतना लेट है, पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। एक्चुअली लड़की का भाई और मैं दोस्त हैं कनाडा में, हम दोनों साथ में टैक्सी ड्राइविंग करते हैं। देखिए अगर आप थक गए हो तो ड्राइविंग मैं कर सकता हूँ, मेरे को भी थोड़ी ड्राइविंग आती है, कनाडा में बहुत ड्राइविंग कर रही है। अगर अपने देश में कर लेंगे तो फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, ओए प्रणव कैसा है? कैसा है विपिन? बढ़िया सब बढ़िया। अच्छा होया तूने फोन करके हमें बता दिया, वरना हम तो वेट ही करते रह जाते। अरे विपिन थैंक्स टू दिस गाय, अगर ये नहीं होता ना तो इस गांव में पहुंचते पहुंचते इतनी प्रॉब्लम होती। थैंक यू। सुन अगर आज मेरी शादी हो जाती है ना तो उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तू होगा। ठीक है चल रुक। तुम वापस भी तो जाओगे, वैसे मुझे पास के शहर में काम, जब मैं वापस आऊंगा कल तुझे लेके जाऊंगा और तभी पैसे दे देना। ठीक है। अच्छा एक ग्लास पानी मिल सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए। चलो चल चलो आइए। पापा जी है प्रणव। सत श्री अकाल अंकल जी। ओ जिंदा रे पुत्र। ये कौन है पुत्र? पापा जी है वो ट्रक ड्राइवर है जो प्रणव नु यहाँ लेकर आया है। अच्छा अच्छा, ओ पुत्र बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर आओ। विपिन मेहमान के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। हाँ जी चलिए। प्रीति छोटी नु बोल शरबत और कुछ मिठाई ले आए। छोटी ये उनको देना। मैं आप दोनों के लिए खुशखबरी लेके आई हूँ, ऐसे नहीं बताऊंगी। क्या? चल बता दे। पहले मुझे कनाडा से एक फोन लाके दो, फिर बताऊंगी। ओ ज्यादा ड्रामे ना कर, बता दे। मैंने बाबूजी को आपके बाबूजी से बात करते हुए सुना था, उन्होंने अगले महीने की 14 तारीख की डेट फिक्स की है। सच्ची? ओ मुबारक। मैं एक बार प्रीति से बात करना चाहता हूँ, उसे पूछना चाहता हूँ कि वो खुश है इस रिश्ते से या नहीं यार, क्योंकि मैं जानता हूँ छोटे शहरों में लड़की की हाँ और ना नहीं सुनी जाती है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। That's it. देख मिलना मिलाना हमारे यहाँ नहीं चलता, पर कोई बात नहीं तू प्रीति से मिल सकता है, पर हाँ छोटी साथ रहेगी और सिर्फ 15 मिनट के लिए। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू। चल लाइन थोड़ी फिल्मी है, पर जब से मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी ना विपिन के सेल पर,
तुम तभी से अच्छी लगने लग गई थी, और जैसे जैसे विपिन तुम्हारे बारे में बताता गया तुम और भी अच्छी लगने लग गई। पर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? ओके ओके, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम छोटी के साथ नीचे आ जाना 2 मिनट बाद, ठीक है? दीदी चलिए नीचे, तुम जाओ मैं आती हूँ, ठीक है? मैंने बाबूजी को आपके बाबूजी से बात करते हुए सुना था, उन्होंने अगले महीने की 14 तारीख की डेट फिक्स की है। जब से मैंने तुम्हारी फोटो देखी है ना विपिन के सेल पर, तुम तभी से अच्छी लगने लगी थी, और जैसे जैसे विपिन तुम्हारे बारे में बताता गया तुम और भी अच्छी लगने लगी। कौन हो तुम और मुझे यहाँ इस तरह क्यों लाए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम तो वही वो ट्रक ड्राइवर हो ना? कोई मामूली ट्रक ड्राइवर नहीं है, ये मेरा बेटा है, राजी सिंह का बेटा, सुखबीर सिंह का छोटा भाई राघव सिंह। लेकिन मेरा इनसे क्या लेना देना है? सुखबीर सिंह का नाम तो सुना होगा तुमने, जिसे सबने गद्दार समझा था, मेरा बेटा था वो, था, अब नहीं रहा। पता है किसकी वजह से? तेरे वो दरोगा बाप करतार सिंह की वजह से। उसने मारा था मेरे बेटे को, 18 साल का था, पूरी जिंदगी पड़ी थी उसके आगे, बिना किसी सबूत के तेरे बाप ने इनकाउंटर में गोली चला दी उस पर। प्रमोशन के लिए मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, एक मां के लिए अपने बच्चे को खो देने से बड़ी और कोई हार नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम लोगों ने, अब भला मैं तेरी जिंदगी कैसे आबाद होने दूं? मैं तो अब जिंदा भी इसलिए हूं कि तेरे परिवार की बर्बादी देख सकूं। राघव ने जो भी किया है ना, अपने परिवार के लिए, अपने खोए हुए भाई के लिए किया है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं ये सब नहीं जानती, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे जाने दे, तेरे बाप को भी तो पता चले अपने बच्चे से बिछड़कर कलंक के साथ जीने का कैसा दुख होता है। तू 2 दिन रह जा यहाँ आराम से, फिर छोड़ आएंगे तुझे, हमारा बदला पूरा हो जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, नहीं। नहीं, अगर तुमने मुझे छूने के बारे में सोचा भी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सच कह रही, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें मार डालूंगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ! नहीं, आज पूरा हुआ मेरा बदला। मेरे बेटे ने उठाया है तेरी बेटी को। अब तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता करतार सिंह। अब जीना वही जिल्लत की जिंदगी जो मैं और मेरा बेटा सालों से जीते आ रहे हैं। रोने से कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। हर मुसीबत का हल सामने होता। वैसे
एक डेढ़ घंटे में मास हो जाएंगे। आपके पुलिस डिपार्टमेंट की मदद लेनी चाहिए। नहीं, हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। पता है कितनी बदनामी होगी हमारी। अरे उठाकर लेकर गए वो लड़की को। मेरी बच्ची। सब जानते हैं प्रीति, इनकी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिली तुझे। माँ, हम पुलिस के पास जाएंगे। माँ नहीं, तू जा यहां से। पूरी रात वहां रहकर आई है, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि राघव सिंह ने तुझे छुआ तक नहीं। देख, इस हादसे की वजह से छोटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रणव से छोटी की शादी की बात हम कर लेंगे, पर तू जा, तू जा। राघव ने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया वो इसलिए किया था क्योंकि उसके दिल में प्रीति के बाबूजी के लिए नफरत थी, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उससे उसका भाई छीन लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नफरत के इस खेल में प्रीति ने बहुत कुछ खोया, उसके सपने, उसका परिवार, उसकी नई जिंदगी शुरू करने की एक उम्मीद, सब कुछ। प्रीति के पेरेंट्स ने प्रीति को ठुकरा कर सही नहीं किया, क्योंकि जो भी हो इन सब में प्रीति की कोई गलती नहीं। She wasn't at fault. पूरी रात वहां रहकर आई है, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि राघव सिंह ने तुझे छुआ तक नहीं। इस हादसे की वजह से छोटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रणव से छोटी की शादी की बात हम कर लेंगे, पर तू जा। पता नहीं क्यों राघव का दिल पिघल गया और तुझे वो वापस उठा के ले आया। पर मैं तुझसे कोई माफी वाफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, तू जब तक चाहे यहां रह सकती है, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। जी, जी, नफरत है मुझे तुम दोनों से। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं तुम दोनों की शिकायत दर्ज करूंगी। ठीक है, तू जा पुलिस स्टेशन, जा शिकायत दर्ज करवा।
फिर सारे गांव को तेरे बारे में पता चल जाएगा और तेरे साथ साथ तेरी छोटी बहन की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। पूरी रात वहां रहकर आई है, इस हादसे की वजह से छोटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे इस घर में नहीं रहूंगी। जानता हूं, तू कुछ भी बोल लेकिन मरने की बात मत कर, क्योंकि वो मैं होने नहीं दूंगा। मेरी छोटी बहन की शादी होने तक क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? उसके बदले मैं घर का कुछ ना कुछ काम कर दिया करूंगी। काम करने की जरूरत नहीं है, जब तक चाहे रह सकती है। जब तक मैं यहां हूं तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे इस घर में नहीं रहूंगी। जब तक मैं यहां हूं तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मैंने बाबूजी को आपके बाबूजी से बात करते हुए सुना था। उन्होंने अगले महीने की 14 तारीख की डेट फिक्स की है।
राघव प्रीति से कभी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि प्रीति की जो नफरत है राघव के लिए वो सही है, जायज है और जस्टिफाइड है। और इसी वजह से राघव कभी भी प्रीति को खुश रखने की या उसे नुकसान ना पहुंचाने की या उसे परेशान ना करने की हर मुमकिन कोशिश को जाने नहीं देता था अपने हाथ से। अब आप देखिए कि जिस तरह पूरे गांव में एक तरफ नफरत फैल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक नई मोहब्बत जन्म ले रही थी, एक नया प्यार शुरू हो रहा था। A new love story was beginning. सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल जी। किदा बाजी? चंगा चंगा। बेबे कितने? बढ़िया जी। बेबे इथे यहां तक। हां बढ़िया। अरे ये तो भाई दरोगा करतार सिंह की बेटी है ना? हां है तो भाई, लेकिन यहां कर क्या रही है? मैंने तो सोचा रघु ने जंगल में फेंक दिया होगा अपना काम निकाल के। सत श्री अकाल प्रीति जी, पहचाना मैं? आपके पिताजी जरूर पहचानते होंगे, उसे देख रही हैं? अच्छे खासे चलते फिरते इंसान को तेरे बाबूजी ने पाहिज बना दिया। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दीजिए। आखिर रघु ने इसे यहाँ रखा क्यों हुआ है, कुछ समझ नहीं आया यार। ओहो, कोई क्यों किसी लड़की को अपने घर में रखेगा? अपनी घटिया सोच ना अपने पास रख, अगर इसके बारे में किसी ने कुछ बकवास करी ना तो छोड़ूंगा नहीं। एक लड़की की वजह से तूने हम पे हाथ उठाया? अबे शायद तू भूल गया कि इसी की वजह से तेरे भाई की जिंदगी गई है। इसकी वजह से नहीं, इसके बाप की वजह से। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और अपने बाप की बेटी होने की कीमत ये चुका चुकी है। अब जाने दो इसे। तू ऐसे हमारे खिलाफ नहीं जा सकता रघु। अच्छा चला गया, बता क्या करेगा। हाँ बता क्या करेगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बदले के बारे में सोचा। अगर इस लड़की के बारे में सोचती तो शायद कमजोर पड़ जाती, पर मुझे तेरे बारे में जरूर सोचना चाहिए था पुत्र। इसके साथ साथ तुझे भी तो भरनी पड़ रही है इस बदले की कीमत। बहुत फर्क है माँ, उसके दर्द के सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं। पुत्र तो उससे बात करने की कोशिश तो कर। नहीं माँ, मैं चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी वो मुझे देखेगी ना उसका बीता कल उसके सामने आ जाएगा। पता है माँ, उस रात जब वो प्रणव से बात कर रही थी ना बहुत खुश थी, हमने उसकी खुशी छीन ली माँ। जी प्रीति, करीब 5 फुट 4 इंच लंबी है, क्या आपने देखा उसे? अरे ओ पाजी, पुलिस में जाओ ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? वही तो मुश्किल है, बदनामी के डर से उसके घर वाले पुलिस तक जाने ही नहीं चाहते। और अब जब वो कनाडा जा रही है तो उसको साथ ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माँ, सारे पिंड के लोग करतार सिंह के खिलाफ हो गए हैं और वो उन्हें वहां से जिंदा नहीं जाने देंगे, और प्रीति का परिवार उसके भाई के पास कनाडा जा रहा है। तो ठीक है ना पुत्र, जाने दे, अब तू मत पड़े इन चक्रों में। क्यों ना पड़ो इन चक्रों में माँ? प्रभु ये खतरनाक हो सकता है, मैं अपना एक पुत्र खो चुकी हूँ, अब दूसरा खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आज तक मैंने वो किया जो आपने कहा, लेकिन आज मैं वो करूंगा जो सही है, जो मैं करना चाहता हूं। आज ये सब खत्म कर दूंगा मैं।
मुझे पता चला है सारे गांव वाले आपके पीछे पड़े हैं। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। याद है ये लोग? ये वही है जिन पे तूने कुछ साल पहले गद्दार होने का झूठा नाम लगाया था। रुका करतार सिंह, आज यही लोग तेरे सामने तेरी फैमिली को खत्म करेंगे। देखो गोली मत चलाना। वो क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अबे दुश्मन वो लोग हैं, हम नहीं। मेरी बच्ची आ जा। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, इन लोगों को जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे? आप लोग चलिए चलिए चलिए, गाड़ी में बैठिए चलिए। तू साले गद्दार, जाइए जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। साले छोड़ूंगा नहीं तुझे गद्दार। साला पागल हो गया क्या? साले छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या साले तूने, मार डालूंगा तुझे। छोड़ छोड़ना, अपनों का खून बहा के क्या फायदा, जिन्हें जाना था वो तो चले गए। आज तक मैंने वो किया जो आपने कहा, लेकिन आज मैं वो करूंगा जो सही है, जो मैं करना चाहता हूं। आज ये सब खत्म कर दूंगा मैं। आप लोग चलिए चलिए चलिए, गाड़ी में बैठिए चलिए। गाड़ी रोको। तुम पागल हो गई हो क्या? गाड़ी रोको नहीं तो मैं कूद पड़ूंगी। प्रीति गाड़ी रोको। अरे प्रीति, प्रीति, हमें उसे वैसे नहीं छोड़ना चाहिए था, वो कैसे बचाएगा अपने आप को? पागल हो गई क्या प्रीति? हम सब मारे जाएंगे ना। प्रीति डोंट बी स्टूपिड, औरों का क्या होगा? हमें उसे बचाना होगा। प्रीति तेरा दिमाग तो ठीक है हा? क्या करने जा रही है तू? जिसने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई, उसे ऐसे कैसे अकेले छोड़ दे? देखिए आप लोगों को आना है तो आइए, मैं जा रही हूँ। उतरे नहीं है सर फिरी ये आशिकी। आप कुछ कीजिए ना, प्रीति को कुछ हो गया तो। बाबूजी हमें उसके साथ जाना चाहिए। कम वक्त भी ये आशिकी जो ये संचले जो ये रंग चले। बाबूजी बाबूजी प्लीज इन्हें बचा लीजिए। हाँ बेटा कुछ नहीं होगा। प्रणब प्रणब मेरी बात सुन, जो कुछ भी हुआ ना
उसमें इसकी गलती नहीं है। मैंने आज तक इसको छुआ भी नहीं। इसके इसके लिए बेहतर यह है कि तू इसे कहना डाले जा। मुझसे कुछ नहीं कहना तुम्हें। कहना मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हारी माफी के लायक है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर। पहले हम तुम्हें पहले हॉस्पिटल ले जा लेते हैं और उसके बाद हम लोग कनाडा निकल जाएंगे। मुझे नहीं जाना किसी के साथ कहीं। कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके जिम्मेदार तुम नहीं थे। और मैं चाहती हूँ कि तुमने ये सब ठीक करने की बहुत कोशिश की। मैं सब कुछ होने के बाद इसे कैसे छोड़ सकते हो मुझे? पर प्रीति, अब तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ, इतनी जिंदगी तुम्हारे सामने है और तुम। हाँ, मेरा परिवार मेरे साथ है क्योंकि आज सब कुछ ठीक हो गया है। जब मैं मुश्किलों में थी तो तुम मेरे साथ थे। आज मेरा परिवार मेरे साथ है तो तुम्हारी वजह से। ये नई जिंदगी तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से। और मैं अपनी इस वजह को छोड़कर नहीं जा सकती। राघव ने जो प्रीति के साथ किया वो डेफिनेटली गलत था। लेकिन देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशंस बुरी होती हैं। और ऐसी ही एक बुरी सिचुएशन का विक्टिम था राघव। और प्रीति ये बात जान चुकी थी, वो ये बात समझ चुकी थी कि राघव ने जो कुछ भी किया जाहिर सी बात है गलत था। लेकिन वो एक और बात समझ चुकी थी और वो ये थी कि इस प्रेजेंट मोमेंट में जितना प्यार राघव उससे करता है उतना प्यार उससे कोई नहीं कर सकता। आप देखिए कि इनके प्यार में कितनी ताकत है, कि इन्होंने नफरतों पे जीत हासिल की। लव इज रियली स्ट्रॉन्ग, इसीलिए तो इसे कहते हैं आशिकी। कोई मजाक की बात थोड़ी। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक और प्यार की और आशिकी की दास्तान लेकर। तब तक लिए हम मिलते हैं प्रीति जैसी एक लड़की से। ये 2 साल पहले की बात है, मेरी फ्रेंड की शादी तय हो चुकी थी और शादी के थोड़े दिनों पहले ही उसका एक लड़के ने अपहरण कर लिया। उसका भाई जेल में था और वो इसलिए क्योंकि मेरी फ्रेंड के डैड लॉयर थे और उन्होंने उसके खिलाफ केस लड़ा था और इस वजह से उसे जेल हुई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए इस लड़के ने मेरी फ्रेंड को किया अपने पास, एक हफ्ते करीबन रखा, पर उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। फिर उसने उसे जाने दिया सारी बातें बताकर। जब मेरी फ्रेंड अपने घर पहुंची तो उसके माँ बाप और सारे रिलेटिव्स उसको ताना मारने लगे और इस बात से परेशान होकर वो घर छोड़कर निकल गई। इत्तेफाक से उसकी मुलाकात फिर से इसी लड़के से हुई। इस बार इस लड़के ने उसे माफ़ी मांगी और उसे अपने साथ आके रहने के लिए कहा, उसकी मदद की और दोनों साथ में रह रहे थे और दोनों करीब आ गए इसी दौरान और दोनों में प्यार हुआ और फैसला किया उन्होंने कि वो शादी करना चाहते हैं। इस बात से मेरी फ्रेंड के डैड खुश तो नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली और दोनों आज आपस में खुश हैं एक साथ शादी करके। और मैं भी मेरी फ्रेंड के लिए बहुत खुश हूँ। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @bindastv #ये है आशिकी।